हेलो। हाँ जी भैया। हाँ जी सर, आप निकल रहे हो? हाँ मैं अब निकल रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत निकले थे मेरे सामने से, तो अब शायद रास्ता खुलवा रहे होंगे ना वो। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया ना। हाँ बोल तो रहे हैं कि वहाँ पे गैस की गाड़ी भी खड़ी है ना, उसी गैस का रास्ता खुल गया सर। हाँ हाँ नहीं नहीं खुल गया होगा क्योंकि मेरे सामने से खूब सारे पुलिस वाले निकले थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोडन टाइगर। रोडन टाइगर के अब तक एपिसोड में आपने देखा कि मैं मुहान की तरफ जिम कॉर्बेट में मैं निकल गया, जहाँ मेरा नाइट स्टे करना था, जाम में फंस गया था और फंसने के कारण मेरा टाइम खराब हो रहा था, मैं काफ़ी इरिटेटेड हो गया था। अभी मुझे मेरे पास फ़ोन आया है कि वो जाम खुल गया है जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप पता कर लो। ऐसे ही मेरे सामने से बहुत सारे पुलिस वाले गए थे तो मैं समझ गया था कि जाम अब खुलने वाला है, खुल जाएगा वहाँ जाएंगे। तो मैं उस लोकेशन में पहुँचने वाला हूँ, जाम वाली लोकेशन पे। लोकेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा टाइम खराब हो रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा अंदर से कवर करना था, थोड़ा सा और स्टोरीज कवर करनी थी इस लोकेशन की, मुहान की, क्योंकि ये बड़ा फेमस लोकेशन है जहाँ पे मैनेटर टाइगर्स देखे गए थे, पाए गए थे, इनकी स्टोरीज काफ़ी चली थी। अभी भी ये कन्फर्म नहीं है कि मैनेटर्स जो हैं वो सारे पकड़े गए हैं या कुछ मैनेटर्स अभी भी घूम रहे हैं, तो वो करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने हिसाब से सारा टाइम, सब कुछ, सारे कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। मुहान अभी यहाँ से कोई 12 किलोमीटर है, मुझे जहाँ स्टे करना है वो कोई 10 किलोमीटर है, और अभी हम चल रहे हैं। आपको आगे का लोकेशन दिखाते हैं, मैं कैमरा जो है पीछे की तरफ घुमा देता हूँ ताकि अब आप सामने देखें। वैसे आसपास लोकेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक गिरजा देवी का मंदिर है जो बहुत ही फेमस मंदिर है, आपने कई सारे यूट्यूब एपिसोड्स में देखे होंगे, तो मैं ये कवर अभी इस बारे वाले विजिट में नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरे साइड में, मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड में, इसकी बड़ी अच्छी व्यू आ रही है, नदी के ऊपर है ये। अभी एक पुल पार हुआ, इस पुल की तरफ जब मैं आ रहा था ना, जब मैं अभी जाम से पहले जा रहा था और वापस जब आ रहा था, तो वहां मैंने देखा था कुछ लड़के लड़कियां खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि आप कहीं पे रोड पे आप घूमे नहीं, आप नीचे नहीं है। अभी उस जगह पे मैं देख रहा हूँ फॉरेस्ट के दो स्टाफ जो है वो खड़े हैं, शायद इसलिए भी खड़े होंगे कि वहां पे मतलब कोई और गाड़ी लगा के और भी फोटो खिंचवाना ना करने लग जाए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस रोड पे। ये देखो सारी गाड़ियां सामने लगी हुई हैं, ये पूरा जाम है ये जगह। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ छाए में देख के लगा ली है। गर्जिया है इस जगह का नाम, इधर ये जंगल और इधर मैं पता नहीं कितनी देर अभी और खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे बताया तो गया था कि जाम खुल गया है, लेकिन ये जाम खुला नहीं है, अभी भी जाम है इधर सारा। अचानक से गाड़ियाँ आ रही है, पीछे से बाइक्स आ रहे हैं। ये बाइक वाले भैया बता रहे हैं कि उधर से जाम खुल गया है, तो प्रॉब्ली अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर। मेरा शर्ट भी फट गया यहाँ पे, ये देखो। सबसे पहले ना टू व्हीलर्स आते हैं, और जिस तरह से टू व्हीलर्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि अब हमारा लाइन भी ना शुरू होगा। मैंने तो गाड़ी को चिपका लिया है। ये पीछे एक फैमिली मिली थी, वो मुंबई से थे, और उनके जीप का ड्राइवर आगे चला गया है, चाबी उनको छोड़ गया है, तो वो भी खुद ही अपनी जीप नहीं, सॉरी, अपना इनोवा जो है वो ड्राइवर उनको आगे मिल जाएगा, वो चला के आ रहे हैं। उनको भी मुहान ही जाना है, उनका रिजॉर्ट भी मुहान में ही है कहीं पे। मेरा टाइम काफ़ी ख़राब हो गया है, वो सपोज टू रीच बाय 3 PM, बट अनफॉर्चुनेटली 5:15 अभी हो रहा है। अभी और पता नहीं कितनी देर का जाम रहेगा, क्योंकि अभी तो जाम दिख रहा है, हालांकि सामने से गाड़ियां आ रही है, ये भी चलना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी स्लो रहेगा ट्रैफिक काफ़ी देर तक। लेट्स सी, चलो मैं इसको कैमरे को एक बार माउंट कर देता हूँ और उसके बाद जैसा रहता है फिर आपको बताते रहते हैं। अब ये ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। ये इधर जाम तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ ना ये रिवर बेल्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो आपको पानी भी दिख रहा होगा, ये अभी तो पानी काफ़ी सूखा हुआ है ये, लेकिन ये रिवर बेल्ट है 100%। यहाँ पे रात में एलिफेंट्स और बाकी एनिमल्स जो है ना वो पानी पीने आते होंगे इस जगह पे। सामने जो भी हो, लेकिन इधर साइड का बड़ा जबर लग रहा है यार। देखो आप ना वो उस तरफ देखो, माउंटेन्स के ऊपर कैसे बिल्कुल, वहाँ पर ना पत्ते जो आए हुए हैं ना पेड़ों पे, वो बिल्कुल नए आए हुए हैं, तो ना बड़ा अच्छा एक लाइट ग्रीन सा कॉन्ट्रास्ट वो सेट कर रहा है। बाकी सामने तो चिलचिलाती धूप, सामने से धूप आ रही है, ये बिल्कुल ना मतलब फुटेजेस तो बिल्कुल ठीक नहीं आएंगे इसमें। आप तो इधर ही देखो यार, हाँ हाँ कितना सुंदर है ना।
कभी कभी कुछ कुछ सीन तो देख के लगता है जैसे बिल्कुल पिक्चर पोस्ट कार्ड है। ट्रैफिक काफी आ रहा है, उसको माउंटिंग कर लेता हूँ। ये लगता है इसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, इसी जगह पे लगता है एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे पुलिस वाले इसलिए खड़े हैं, लोग भी खड़े कई सारे। एक एक करके ट्रैफिक छोड़ने लगता है। वो बस जो है ना, जिस बस एक्सीडेंट हुआ था वो बस यहीं पे है। इसी बस ही बस से एक्सीडेंट हुआ लगता है। ओ, ये बस है, देखो शीशे टूटे हुए हैं इसके। इसी बस से हुआ एक्सीडेंट। एक तरफ बस खड़ी है, एक तरफ करके ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। अब शायद हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले खड़े हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, इसलिए ट्रैफिक जो है ना सही तरीके से खुल गया है और अब लगता है निकल भी जाएगा। हालांकि जाम अभी काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर ये ट्रैफिक धीरे धीरे चलता रहा तो हम लोग निकल जाएंगे। और वो बस आपने देखा होगा अभी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, शीशे टूटे हुए थे उसके, उसी बस ने एक बच्चे को मार दिया, अभी बस पे चढ़ा दिया, पता नहीं क्या क्या, व्हाटएवर, आई डोंट नो। बच्चे की तो मौत हो गई ये सुनने में आया। गांव के सारे लोग थे जिन्होंने जाम लगा दिया था। बाकी सारी बातें छोड़ो गुरु, आप तो जंगल देखो। जंगल लेफ्ट हैंड साइड में क्या शानदार वाला जंगल है यार। राइट हैंड साइड में तो गाड़ियों का जंगल शुरू हो गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो देखो कितनी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी इस वाले ट्रैफिक को रुका हुआ है और हमारे को छोड़ दिया, तो हम अभी सीधा निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले लगता है इधर वाले ट्रैफिक को छोड़ा था तो हमारे बगल से गाड़ियां निकल रही थी। अब सामने की तरफ वाला ट्रैफिक करीब करीब कम हो गया है, मतलब वो जाम वाला नहीं रहा है। अब धीरे धीरे ट्रैफिक जो यूजुअल ट्रैफिक जो आता है वही ट्रैफिक है। हुआ तो मैं ओवरटेक करके निकलूंगा। यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है, लगा उस पर लिखा है यू आर पासिंग थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर, बी केयरफुल। और आप मेरे राइट हैंड साइड में देखो ना, तो पूरा जंगल उंगल सब कटा हुआ है, इधर झाड़ी वाड़ी सब कटी हुई है, मतलब लग रहा है जैसे इधर से एलिफेंट होके निकला है। यहाँ एलिफेंट अक्सर आते रहते होंगे, आई थिंक नदी पे जाने के लिए आते होंगे। राइट हैंड साइड में जो नदी है, रिवर बेल्ट जो है, उस पर जाने के लिए आते होंगे। वेट ही कर रहा था ये कोई वाइल्ड एनिमल दिखे। देखो सामने से सांबर डियर क्रॉस कर रहा है, ये दिखा आपको, ये देखो ये निकल गया। वाओ ब्यूटीफुल, इतनी सारी गाड़ियों को पीछा करके इतनी मुश्किल से आए, फिर से यहाँ पे सब गाड़ी आगे हो रही है। शायद ये रिवर बेल्ट है और यहाँ एक ही गाड़ी का रास्ता है। Beep, beep, beep.
मैं जाम खुलने के बाद ना दे धनिया के दे मनिया के स्टाइल में चला रहा हूँ। मतलब मुझे मालूम है कोई एनिमल तो आना ही नहीं है यहाँ पे। अगर नॉर्मल ट्रैफिक होता, थोड़ा सा कम कम गाड़ियाँ चल रही होती ना, तो चांसेस थे कि आसपास आपको कोई, शाम का टाइम हो रहा है, कोई एनिमल दिखता, हाथी भी आ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज के दौर में मेरा तो दिन ही खराब है, सीरियसली अब तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि इतना जाम, इतने ट्रैफिक में कौन सा एनिमल आएगा, वाइल्ड एनिमल आएगा यहाँ पे, और अगर आ गया ना तो और कांड हो जाएगा। मैं इस जगह पे गाड़ी कभी नहीं रोकता, लेकिन क्योंकि अभी बहुत ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ चल रही है, जाम से निकला है गाड़ी सारा, और सब सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे रोका है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। मैंने बताया था कि ये जो जगह है ये मैनेटर टाइगर के लिए ये जगह फेमस है। ये बैनर देख रहे हैं आप, ये रिसेंटली लगाया हुआ है, ये रोड के बिल्कुल किनारे है, बिल्कुल साइड में। ये जगह ये बताता है कि ये जगह कितना ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे मैनेटर टाइगर्स है। यहाँ पे नीचे उतरना गाड़ी से मना है, मैं भी नहीं उतरता, लेकिन मुझे मालूम है कि ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से पीछे से काफ़ी, इसलिए मैं अभी उतरा हूँ और आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। गाड़ियाँ फिर से रुकी हुई हैं यार, अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है अब जाम में रहने का। मैंने गलती तो नहीं कर दी अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेके? देखो ये एक मिनट का रास्ता दिख रहा है इसमें और लाल है आगे, मुझे ये यहाँ इसके पास से ये यहाँ जाना है और सामने इधर जाम लगा हुआ है और इस तरफ है घना जंगल। इधर देखो आप, अच्छा खासा जंगल है और इधर है रिवर बेल्ट, पानी है इस तरफ। इस सड़क पे ना यार गाड़ियां नहीं चाहिए यार, इतनी सारी पता नहीं कहाँ जा रही क्या जा रही। मैं आ गया था ना, कोई नहीं आता मैं तो पहुंच ही गया था यहाँ पे, मैं करता रिकॉर्ड यार, रिकॉर्ड करके दिखाया था सबको। नहीं यार मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, सबको आना चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन नेचर को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मतलब ऐसी जगह पे हॉर्न बजाना, अननेसेसरी शाउटिंग करना, चिप्स के पैकेट फेंक देना, पानी की बॉटल्स फेंक देना। मैं वहाँ जाम में खड़ा था, वहाँ मैं देख रहा था लोग चिप्स खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बॉटल्स फेंक दे रहे हैं वहीं पे। वही आप तो थोड़ी देर में निकल जाओगे, उसके बाद वो वाइल्ड हैबिटेट है, वो जंगली जानवर आएंगे। मैंने कई बार देखा है चीतल डियर को और दूसरे डियर्स को वो बॉटल में और उनमें मुँह लगाते हैं, वो उनको प्लास्टिक को कई बार खा भी जाती है कई सारे डियर्स। बहुत गलत होता है ये, एनवायरनमेंट के लिए बहुत गलत है, उनके लिए, उनको तो ख़त्म हो गई। वो जिसने प्लास्टिक खा लिया, जिस डियर ने, वो जिंदा थोड़ी बचेगी। जिंदा बच भी गई तो कितना उसको प्रॉब्लम कितना होगा, पेट में दर्द होगा उसके, उसके भी तो पेट है यार जैसा हमारा पेट है। अब मैं ज्ञान दे तो रहा हूँ, ज्ञान पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा यार। मेरा मन कर रहा है ना इस जंगल के अंदर जाके एक बार ट्रैक करके आऊँ, थोड़ा सा ऊपर देख के आऊँ यहाँ से क्या है, उस तरफ क्या है। मुझे लगता है इसी ढलान से नीचे उतरना है, ये राइट हैंड साइड में जो ढलान है, गाड़ी आ रही है उससे इसी में आना है, मुझे आना है। हाँ कबीला बता दो। हाँ भैया, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, देख लिया मेरे को कैंप रिवर वाइल्ड। हाँ ये गाड़ी व्हाइट कलर की मेरी है, मैं घुमा रहा हूँ गाड़ी। आगे से मैं पीछे को मैं खड़ा, आगे से बाइक लेके देखो। हैं ठीक, अच्छा आप खड़े क्या? तो मैं ही था। अरे हाँ हाँ दीपक जी, दिखे दिखे दिखे, ओके ओके। हमारे रिजॉर्ट वाले जो भैया हैं, दीपक शाह जी, मैं मिलवाऊंगा आपको, वो बाइक पे पीछे पीछे ही आ गए मेरे, मतलब देखने के लिए रोड पे आ गए।
अरे आई एम सो सॉरी, आपको आपको आना क्यों पड़ गया यार? इसीलिए मैंने अपना भेजा आपको, मैंने ऊपर से देख तो लिया, पहचान लिया था मैंने कि आप ही का है ये। अच्छा चलो चलो, ये सार रिजॉर्ट के ऑनर है दीपक शाह जी, मैं मिलवाता हूँ इनसे। अच्छा इनका मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, बेचारे बाइक से लेके आ गए तुरंत, नया नया इन्होंने काम शुरू किया है। देखिए रूम वूम कैसे हैं, अभी आपको पहले एक बार टूर देते हैं रूम का। और ये साइड में जो जंगल है मेरे राइट हैंड साइड में, यहीं पर टाइगर की साइटिंग हुई थी, मैंने वीडियो देखा हुआ है इनका, जहाँ टाइगर साइड यहाँ आया था, टाइगर डियर्स यहाँ पे आ गए थे, कॉल कर रहे थे और टाइगर्स भी यहाँ पे थे। गाड़ी कहाँ लगाऊँ, गाड़ी भी इधर ही लगाता हूँ, यहाँ सामने लगाता हूँ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी